हेलो दोस्तों, डेली हेल्थ टिप्स में आपका स्वागत करती हूँ। अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल है तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ शरीर में पानी की कमी होने से आपको किस तरह की होती हैं प्रॉब्लम्स। जी हाँ फ्रेंड्स, वैसे तो पानी हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जी हाँ, शरीर का लगभग 70% भाग पानी से बनता है। ऐसे में शरीर में पानी की कमी सेहत पर बुरा असर डालती है, जो कि हमारे अंदर की कई सारी बीमारियों को दूर करता है। इसीलिए फ्रेंड्स, आपको बता दें कि अगर हमारे बॉडी को पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं मिला तो हमारे शरीर को नुकसान हो सकता है। खास करके फ्रेंड्स, गर्मियों में तो पानी की कमी आसानी से हो जाती है। जी हाँ, अगर शरीर में पानी की कमी हो जाए तो बॉडी में हमारा खून गाढ़ा होने लगता है, साथ ही मुँह से दुर्गंध, रूखापन, जोड़ों का दर्द जैसे और भी सारे कई लक्षण दिखाई देते हैं। आपको बता दें कि दिन में कम से कम 10 से 12 ग्लास पानी का सेवन ज़रूर करना चाहिए। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आप बॉडी में हुई पानी की कमी से बचना चाहते हैं तो ऐसे में आज के इस वीडियो में बताए जाने वाले सिम्टम्स अगर आप अपनी बॉडी में महसूस करते हैं तो तुरंत ही आप पानी पिएं और अपनी बॉडी को बनाएं हेल्दी। दोस्तों, सब्सक्राइब करें डेली हेल्थ टिप्स को, ये बिल्कुल फ्री है, और साथ ही बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि आप देख सकें हमारा वीडियो सबसे पहले। सबसे पहला लक्षण है मुंह का सूखना। जी हाँ फ्रेंड, शरीर में पानी की कमी होने पर मुंह सूखने लगता है। अगर आपका मुंह भी बार बार सूख जाता है तो समझ लें कि शरीर में पानी की कमी हो गई है। ऐसे में आप तुरंत जाकर पानी पिए और जब भी आपका मुंह सूख जाए तो पानी पी लीजिए। नेक्स्ट वाला सिम्टम है ड्राई स्किन का होना। जी हाँ फ्रेंड्स, स्किन ड्राइनेस की प्रॉब्लम और साथ ही होंठों का फटना ज़्यादातर सर्दियों में होता है, लेकिन गर्मियों और साथ ही मानसून में भी स्किन का रूखा होना शरीर में पानी की कमी का ही एक संकेत होता है। त्वचा में पानी की कमी होने के कारण गर्मियों और साथ ही मानसून में भी आपकी स्किन बार बार ड्राई हो जाती है, इसलिए आपको भरपूर पानी पीना चाहिए। इसके अलावा अगर आप ब्यूटीफुल दिखना चाहते हो तो पानी हमारे शरीर के लिए फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो पानी की कमी के कारण हमारे चेहरे पर झुर्रियाँ यानी कि रिंकल्स दिखना शुरू हो जाती हैं, साथ ही चेहरे की रंगत भी फीकी पड़ जाती है और चेहरा डल और साथ ही सुस्त दिखाई देने लगता है, क्योंकि पानी की कमी से चेहरे की ताजगी समाप्त हो जाती है। इसीलिए इस तरह के लक्षणों से बचने के लिए आपको भरपूर पानी पीना चाहिए और साथ ही अपनी स्किन को बनाना चाहिए हमेशा के लिए हेल्दी। थर्ड वाला सिम्टम है फ्रेंड्स, पीला यूरिन आना। जी हाँ, अगर आपको भी पीला यूरिन आना, जलन या फिर यूरिन में से बदबू आने लगी है तो इसे नज़रअंदाज ना करें। पीला पेशाब आने का मतलब है पूरे शरीर में पानी की कमी। इस तरह के लक्षण दिखने पर आप खूब सारा पानी पिएं। चौथा सिम्टम है एसिडिटी और कब्ज की प्रॉब्लम। फ्रेंड्स, गैस का बनना, कब्ज या फिर कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम रहना, ठीक से खाना ना पचना जैसी समस्याएँ भी आपके शरीर में पानी की कमी के कारण ही होती हैं। इसीलिए पाचन तंत्र ठीक ना रहने से इंसान को कई सारी और भी हेल्थ प्रॉब्लम्स होने का खतरा बढ़ जाता है। इसीलिए फ्रेंड्स, अगर आप भी अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को स्वस्थ यानी कि हेल्दी रखना चाहते हैं तो ऐसे में आप भरपूर मात्रा में पानी पिएं, यानी कि एक दिन में कम से कम 10 से 12 ग्लास पानी तो ज़रूर पिएं। पांचवा सिम्टम है मुँह से बदबू आना। जी हाँ फ्रेंड्स, कम पानी पीने से खाना अच्छी तरह से नहीं पचता है, जिसके कारण आपके मुँह से बदबू आने लगती हैं। अगर आपके मुंह में थूक ना आने के कारण बदबू आने लग गई है तो समझ लें कि शरीर में पानी की कमी हो गई है। जी हाँ, थूक मुंह में मौजूद बैक्टीरिया को पनपने से रोकता है। थूक ना आने पर बैक्टीरिया बनते रहते हैं और सांसों में बदबू की शिकायत होती है। इसीलिए फ्रेंड, जैसे ही आपके सांसों से दुर्गंध आने लगती है या फिर आपके मुँह में थूक बनना बंद हो जाए तो आप तुरंत ही उस दिन 10 से 12 ग्लास पानी ज़रूर पिए। नेक्स्ट वाला सिम्टम है जोड़ों में दर्द होना। जी हाँ, शरीर में पानी की कमी से जोड़ों में सूजन, गर्दन में दर्द, हड्डियों और साथ ही मांसपेशियों या फिर मसल्स में दर्द होने लगता है, क्योंकि फ्रेंड्स, शरीर के कार्टिलेज और साथ ही रीढ़ की हड्डी के हिस्सों के निर्माण में 80% भूमिका पानी की ही होती है। इसीलिए अगर आपको जोड़ों में दर्द रहता है तो आपको समझ लेना चाहिए कि शरीर में पानी की कमी हो गई है, और ऐसे में शरीर में पानी की कमी को दूर करने के लिए आप भरपूर मात्रा में पानी पिएं और साथ ही इस तरह की बीमारियों से राहत पाएं। नेक्स्ट वाला सिम्टम है थकावट होना। रोज़ाना काम करने के बाद थकावट होना बहुत ही कॉमन बात है, लेकिन फ्रेंड्स, हर समय थकावट महसूस होना और साथ ही थोड़ा काम करते ही जल्दी थक जाना शरीर में पानी की कमी का ही एक सिम्टम होता है। दरअसल फ्रेंड्स, पानी की कमी होने पर शरीर खून में से पानी लेने लगता है, जिससे कि उसमें ऑक्सीजन कम और साथ ही कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ जाता है। इससे आपको बार बार थकावट और साथ ही सुस्ती महसूस होने लगती है।
इसीलिए जिन लोगों को हर वक्त थकान रहती है उनको अधिक से अधिक पानी पीना चाहिए। नेक्स्ट वाला सिम्टम है सिर दर्द और चक्कर आना। पानी की कमी होने से डिहाइड्रेशन की समस्या होने लगती है, जिससे कि आपको सिर दर्द, चक्कर और साथ ही उल्टी भी आने लगती हैं। इसीलिए अगर आपको सिर दर्द या फिर चक्कर आना या फिर डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम होने के संकेत दिख रहे हैं तो ऐसे में आप भरपूर मात्रा में पानी पिएं। नेक्स्ट वाला सिम्टम है दिल की धड़कन यानी कि हार्ट बीट का तेज होना। जी हाँ फ्रेंड्स, अचानक दिल की धड़कन बढ़ना, घबराहट होना भी आपके शरीर में पानी की कमी का ही एक संकेत है। इसीलिए अगर आपको इस तरह के लक्षण दिखाई देते हैं तो आप पानी पिएं और साथ ही अपने आप को बनाएं हेल्दी। याददाश्त में कमी होना। मस्तिष्क में पानी की कमी की वजह से याददाश्त और साथ ही निर्णय लेने की शक्ति पर बुरा इफेक्ट पड़ता है। डिहाइड्रेशन की वजह से आप चीज़ों पर फोकस नहीं कर पाते हैं। आपके अंदर वो ऊर्जा नहीं होती है जो किसी समस्या या फिर मुद्दे पर सोच विचार करने में मदद करती हैं, जिससे कि फ्रेंड्स आप चीज़ों को भूलने लगते हैं। इसीलिए ऐसा होने पर आप उस दिन 10 से 12 ग्लास पानी ज़रूर पिएं। फ्रेंड्स, अगर आपको हो रही है बहुत ही ज़्यादा फूड क्रेविंग्स तो आप समझ जाएं कि आपके बॉडी में है पानी की कमी। जी हाँ, अगली बार जब आपको अचानक भूख महसूस हो तब नाश्ता करने से पहले एक ग्लास पानी ज़रूर पिएं। जी हाँ, क्योंकि फ्रेंड्स जब आप डिहाइड्रेट हो जाते हैं तब आपका बॉडी आपके माइंड को गलत संकेत भेजता है कि आप भूखे हैं, जबकि असलियत में आप प्यासे होते हैं। अचानक से नमकीन खाने की लालसा शरीर में पानी की कमी की वजह से ही हो सकती है। तब आप एक ग्लास पानी में नींबू और साथ ही नमक मिलाकर पिएं। इसके अलावा कुछ लोगों को पानी की कमी की वजह से मीठा खाने का मन भी ज़्यादा करता है। ये तब होता है जब आपके बॉडी में ग्लाइकोजन का उत्पादन अच्छी तरह से नहीं होता है। इस स्थिति में आप तरबूज, पपीता या फिर जामुन जैसे फ्रूट्स का सेवन कर सकते हैं, जिनमें बॉडी के लिए आवश्यक शर्करा के साथ साथ पानी की मात्रा भी पर्याप्त होती है। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आपने जान लिया है आपके शरीर में पानी की कमी होने से आपको किस तरह के होते हैं प्रॉब्लम्स। इसीलिए अगर आपको इस तरह की प्रॉब्लम्स अपने शरीर में दिख रही हैं तो आप भरपूर मात्रा में पानी पिएं और अपने आप को बनाएं हेल्दी। फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, साथ ही इस वीडियो को लाइक भी कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।